हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। मैं गोपाल सिंह। आज हम हमारे साथ स्टूडेंट हैं और ये सामने हमारे प्रोजेक्ट है। इसमें हमने क्या है कि BFD लगवाई है। आज आप देख रहे हैं ये सभी BFD हैं। तो फाउंटेन के लिए पहले BFD नहीं थी, कॉन्ट्रेक्टर से था। अब सभी BFD लगाने के लिए स्टूडेंट्स आए। तो अभी देखो BFD में हमने BFD को लगाया है। ये देखो BFD, अगर हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वहाँ पे हमारा जो शावर है ना उसकी स्पीड बढ़ेगी। बेटा कनेक्शन लगाओ जरा एक बार। ये हमारी PLC है, सामने PLC दिखा दो। देखो, देख रहे हो सामने PLC नजदीक, ठीक है। और ये रिले बोर्ड लगे हुए हैं, ये सभी रिले बोर्ड हैं, देख रहे हो। और इधर ये हमारा पूरा पैनल है, HMI है और मीटर लगा हुआ है और ये सब लाइट्स है। अब देखो मैं फाउंटेन दिखाता हूँ। अभी क्या है कि ये हमारा जो फाउंटेन का प्रोजेक्ट है, बच्चों के साथ मिलके प्रोजेक्ट तैयार करना हमारा काम है। इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं और बच्चों को फुल ऐसे ट्रेंड करते हैं जो कहीं भी जाएं परफेक्ट काम करें। अभी एक्सीलरेशन देके चलाना, 50 पे सेट कर दो, थोड़ी देर तक जो है ना चलना टाइम लगना चाहिए। अभी जो है ना ये सभी जो स्टूडेंट हैं ये अपना इसको कवर कर रहे हैं। तो अब ये चलाएंगे, देखो सेंटर वाला चल गया। अब देखो धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है ना, और बढ़ाओ। तो ये दोबारा चलाओ, समझ लो फंक्शन। तो ये जो है ना इसमें अभी मैं फिर पैनल पर चलेंगे। ये कंट्रोल बोर्ड है, म्यूजिकल फाउंटेन का है ना, ये कंट्रोल बोर्ड म्यूजिकल फाउंटेन का है। और ये BFD लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 इसे यूज करते हैं, डायरेक्टली इससे कंट्रोल होगा ये। और ये आपके कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रेक्टर भी लगा दिए, और साथ में आपकी रिले बोर्ड, PLC, ये पूरा पैनल एक बार दिखा दो पूरा। ये सब काम जो है ना स्टूडेंट लैडर बना के और डाल के एक एक चीज चेक कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट हम कवर करते हैं इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कराते रहते हैं। अब उसका कारण क्या है, 32 साल का एक्सपीरियंस। जो मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है उस वजह से ये सब चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि मुझे हर चीज़ का पता है कौन सी चीज़ क्या है कैसे है। तो मैं किसी भी तरह के प्रोजेक्ट लेके बच्चों को कराता हूँ और प्रोजेक्ट का कोई चार्ज नहीं करता। बताओ सर, कोई पेमेंट लिया? कोई पेमेंट कहीं से भी नहीं लेता मैं। किसी का भी मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा, किसी के पास भी प्रोजेक्ट है और पेंडिंग पड़ा है, कोई कारण से नहीं हो रहा, कुछ भी है, मैं कंसल्टेंसी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। कहीं भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहता मैं कोई चार्ज नहीं लेता, लेकिन जो फीस पढ़ाने का जो चार्ज है वो मेरा रहता है, बस बाकी कोई चार्ज, ठीक है। PLC का आउटपुट लेके Y0 Y1 दिख रहा है ना, ये PLC दिखाओ बुक, ये चीज मेन है, ये PLC के आउटपुट है। इस आउटपुट से रिले बोर्ड ऑन, रिले ऑन कराई है, दिख रही है। इस रिले के एनो कॉन्टेक्ट से C1 O1 P1, C1 का मतलब क्लोज, O माने ओपन और P माने सप्लाई कॉमन। P पे हमने दिया यहाँ पे 24 वोल्ट और O से हमने निकाल लिया, और ये निकाल के हमने सीधा हम कहाँ ले गए, BFD पे। ये NPN कनेक्शन किया हुआ है, NPN वाला है ना। यहाँ भी आपका 0 वोल्ट है, वापस 0 वोल्ट आ रहा है, और ये हमारा सभी BFD में देखो कनेक्शन सेम है, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ पे देखो CT पड़ी हुई है, ये देखो ये CT है, करंट ये केबल्स हैं जो मोटर की केबल है, देखो ये दो तीन चार, हाँ ये मोटर की केबल है जो मोटर को जा रही है, ठीक। ये कंट्रोल बोर्ड है साउंड का, इससे हमारा म्यूजिकल साउंड के साथ साथ हमारा कंट्रोल होगा। और ये PLC लगी हुई है, ये केबल है HMI के लिए है ना, और ये PLC है, ठीक है। और ये MCC भी लगी हुई है, MCB,
और ये हमारा पूरा जो पैनल है, अब ये म्यूजिकल म्यूजिक वाला रात को चलाएंगे, तो मैंने सब दिखाया देखो एक बार नजारा बढ़िया, बड़े बढ़ा के घटा के दिखाओ जरा इसको एक बार, बढ़ा के दिखाओ देखो बढ़ रहा है ना। अब ये रात में म्यूजिकल के साथ चलेगा और बढ़िया कलरफुल चलेगा तो रात में बहुत अच्छा नजर आएगा, है ना। तो मैंने पहले भी बताया था हमारे बच्चों के यही प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल के साथ बच्चे अपना प्रोजेक्ट्स लेते रहते हैं। जो भी मेरे को आता है मैं कोई प्रोजेक्ट का चार्ज नहीं लेता, फ्री में करवाओ। अगर किसी के पास कोई प्रोजेक्ट है SPM मशीन का कोई भी है, मैं कंसल्टेंसी दूंगा, फ्री में दूंगा, कोई चार्ज नहीं। ओके